Good afternoon, everyone. Now, this small session, is you are aware of it, is planned for a very specific purpose. And we know the issue. The issue with our subject is that we study it, par yaad nahi rehta hai. तो ये जो कॉमन इशू है जो आपका पर्सनल मुद्दा नहीं है जो कि राष्ट्रीय मुद्दा है तो उस राष्ट्रीय मुद्दे के लिए इन अवर दिस स्मॉल सेशन व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज टू डिस्कस इन फैक्ट डिस्कस द इनकम टैक्स प्रोविजंस इन अ यू कैन से रिविजनरी वे एंड टू अंडरस्टैंड इट इन द शॉर्टेस्ट वे में कैसे उस सब चीजों को कंसोलिडेट करके याद किया जाए. जब आप इस रिवीजन को सुने तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन एक छोटा सा है. यू शुड एक्चुअली टेक योर नोट्स. इफ यू हैव गॉट इट राइट नाउ यू कैन टेक इट. एंड वॉट एवर नोट्स यू हैव, आपने हाथ से लिखे हैं, प्रिंटेड, जो भी आपके पास है, एक बार उसको देख लेना चाहिए. और देखते हुए उसके पेजेस को घुमाते हुए इन बातों को ध्यान देना चाहिए जो हम पढ़ने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं. एंड टू स्टार्ट विद द डिस्कशन, आई विल स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ अ स्मॉल हेड ऑफ इनकम. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू रिवाइज द समवॉट कोर टॉपिक्स. सो आई ट्राई टू रिवाइज वन ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम, दैट इज द हाउस प्रॉपर्टी हेड. वो तो आता है सर, ऐसा है तो अच्छा है और अच्छी बात है. आता है तो और कंक्रीट हो जाएगा. तो आधी घंटे का कुछ ये हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन है, उसको करते हैं एंड देन लेट अस देन गो टू सम अदर हेड एंड डिस्कस इट. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद दिस डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विद द थिंग. ठीक है, और अब सुनाई दे रहा है, ये सुनाई दे गया, ये नहीं सुनाई दिया. थैंक यू. सो टू पुट द थिंग डायरेक्टली, दिस इज व्हाट द हाउस प्रॉपर्टी हेड स्टार्ट्स विथ इन अवर नोट्स. एंड मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ाता हूं, शॉर्टेस्ट वे. इससे छोटा हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन मैं और छोटा अभी नहीं कर पाया उसको. दिस इज द शॉर्टेस्ट हाउस प्रॉपर्टी डिस्कशन आई विल डू, बट डिस्कस एवरीथिंग. किसी भी हेड ऑफ इनकम में, बी इट हाउस प्रॉपर्टी हेड, उसमें दो ही बातें होती है, द चार्ज एंड द कंप्यूटेशन. सो इन द हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑल्सो एक्चुअली यू हैव ओनली टू थिंग्स, दैट इज द चार्ज एंड द कंप्यूटेशन. तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स कब लगेगा इज वन क्वेश्चन, विच इज गवर्न बाय सेक्शन 22, जो बताता है कि टैक्स हाउस प्रॉपर्टी हेड में कब लगेगा. एंड यू हैव द कंप्यूटेशन, जो कंप्यूटेशन के सेक्शन है बेसिकली वो है सेक्शन 23 एंड 24, जो बताते हैं कि अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा. सो दीज आर टू ब्रॉड थिंग्स विच यू शुड एक्चुअली स्टडी और डिस्कस इन दिस स्मॉल हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड इन एनी हेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो अब हाउस प्रॉपर्टी हेड में, सो फार एज द चार्जिंग सेक्शन इज कंसर्न, दैट इज सेक्शन 22, इट गिव्स यू थ्री थिंग्स. हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगने के तीन पैरामीटर्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं. पहला पैरामीटर है हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगने का, और वो पैरामीटर है दैट देयर शुड बी अ बिल्डिंग और अ लैंड अपर्टेनेंट देयर टू. तो यू कैन से देयर शुड बी अ बिल्डिंग और बिल्डिंग प्लस लैंड. बाकी चीजें कहानी है कि बिल्डिंग कैसी होती है, स्ट्रक्चर परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है, राउंड होगी तो बिल्डिंग है क्या, स्क्वायर होगी, वो कहानी है. पॉइंट इज देयर शुड बी अ बिल्डिंग और अ बिल्डिंग प्लस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ लैंड, अपर्टेनेंट लैंड. सेकेंड कंडीशन इज हाउस प्रॉपर्टी हेड लगने के लिए व्हाटएवर बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू इज देयर, इट शुड बी ओन्ड बाय द असेसी. ओनरशिप असेसी की होनी चाहिए. तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार आपको कहा गया होगा,
वो ये है कि साहब सब लेटिंग की जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आती है। अगर मैंने बिल्डिंग किराए पर लेकर किराए पर दी है, सब लेटिंग की है, तो दिस सब लेटिंग इनकम डज नॉट गो टू दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज सेक्शन 22 कहता है दैट देयर शुड बी ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग। असेसी अगर बिल्डिंग का ओनर है तो ही हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। ओनरशिप दो तरह की होती है टैक्स लॉ में, लीगल ओनरशिप, बेनिफिशियल ओनरशिप। एंड टैक्स पर्पजेस का फंडामेंटल रूल है रियल इनकम थ्योरी। एंड रियल इनकम थ्योरी का मतलब है जो सच में है उस पर हमको ध्यान देना है, जो बता रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। व्हाट इज रियल इनकम इज टैक्सेबल, जो सच में कमाया। सो उस थ्योरी के हिसाब से कागज पे आप किसी को मालिक बना के किसी और के नाम पे इनकम डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। सो इनकम टैक्स में एज पीपल सेड हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी या कहीं भी ओनरशिप विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज दी बेनिफिशियल ओनरशिप। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, वो छोटी सी चीज है कि एक डीम्ड ओनरशिप का भी कंसेप्ट होता है। और ऐसे कुछ छह केसेस दिए हैं, पांच छह केसेस दिए हैं जिसमें मान लिया जाएगा दैट अ पर्सन इज ओनर, दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप। एंड आई टेक यू टू योर नोट्स एंड प्रोबेबली दिस इज वॉट वुड हैव बीन रिटन अबाउट द डीम्ड ओनरशिप। इन छह केसेस में मान लिया जाएगा दैट अ पर्सन इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। द सेक्शन इज सेक्शन 27, ठीक है, थ्योरी है, रटना है, कभी डीम्ड ओनरशिप आ जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला चीज, इफ द असेसी ट्रांसफर्स असेट टू स्पाउस, सो फर्स्ट कंडीशन इज असेट इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस। सेकेंड कंडीशन इज दिस ट्रांसफर इज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को अगर कोई मकान वगैरह ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो ट्रांसफरर है ही इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई एंड दिस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू एनी माइनर चाइल्ड अदर देन अ मैरिड माइनर डॉटर। यहां पे कंसीडरेशन एडिक्वेट या इनएडिक्वेट की बात ही नहीं है। यहां जो लिखा है आपके सामने है असेट इज ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड एंड दिस ट्रांसफर इज टू एनी माइनर चाइल्ड अदर देन मैरिड माइनर डॉटर। तो जो ट्रांसफरर पेरेंट है, पिताजी या माताजी, उन्होंने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उन्हें डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। दैट इज द सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, होल्डर ऑफ इम्पार्टिएबल इस्टेट, जो पुश्तैनी संपत्ति है उसका बंटवारा नहीं हुआ बच्चों में, इट इज इम्पार्टिएबल, तो वो हिस्सा जो आज जॉइंट है जिसका बंटवारा नहीं हुआ, दैट इज समथिंग विच कैन बी रिगार्डेड एज एन इम्पार्टिएबल स्टेट। वो स्टेट पे टैक्स कौन देगा? द होल्डर। होल्डर ऑफ दैट स्टेट इज ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर। जो पुश्तैनी संपत्ति है विच इज नॉट एक्चुअली डिवाइडेड, अनडिवाइडेड, वो प्रॉपर्टी पे द होल्डर विल बी लाइबल फॉर टैक्स। फोर्थ पॉइंट आता है एंड द फोर्थ पॉइंट इज सोसाइटी में मेंबरशिप के कारण मुझे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक हाउस अलॉट हो जाता है। मैंने हाउस खरीदा नहीं, हाउस की ओनरशिप, हाउस की रजिस्ट्री मेरे नाम पर नहीं है, हाउस मुझे अलॉट हो गया, मेरे पास है शेयर्स और शेयर्स के कारण मुझे मिल गया हाउस। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की थ्योरी है। आई हैव शेयर्स एंड बिकॉज ऑफ शेयर्स आई हैव गॉट द पोजीशन ऑफ हाउस। अगर ऐसा होता है तो द पर्सन हु हैज दिस इज ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर। जिसको ये हाउस अलॉट हुआ उसको शेयर्स का मालिक नहीं माना जाएगा, उसको हाउस का मालिक माना जाएगा। द फिफ्थ पॉइंट, सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, टोपा, सेक्शन 53 ऑफ टोपा, डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट। तीन कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो बायर को ओनर मान लिया जाएगा। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड बायर। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत सेलर ने बायर को पजेशन दे दिया है एंड कंसीडरेशन बायर ने सेलर को दे दिया, दे रहे हैं या दे देंगे, और वो भी पुरानी पार्ट पार्ट कंसीडरेशन पेड पेड पेबल और इस पेइंग। अगर ऐसा है तो बायर इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बायर को ओनर मान लिया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स बायर को लगेगा। एंड देन यू हैव द सिक्स्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, अगर कोई असेट लीज पे है, लीज, और वो जो लीज है वो 12 साल से ज्यादा की बची है,
अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड अगर 12 साल से ज्यादा है, किराए पे मैंने असेट आपको दिया, 12 साल से ज्यादा का लीज अभी बचा है, तो आपको मालिक मान लिया जाएगा, किराएदार को मालिक मान लिया जाएगा इफ द अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड इज मोर देन 12 इयर्स. सो दैट इज नेक्स्ट थिंग विच इज देयर. अगर असेट लीज पे है और लीज पीरियड अभी 12 साल से ज्यादा का बचा है, तो ऐसी परिस्थिति में किराएदार को ओनर मान लिया जाएगा और किराएदार को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा. सो आई एम टेकिंग यू बैक टू दीज सिक्स पॉइंट्स. आपको करना क्या है, आपको न केवल इनको पढ़ना है, न केवल इनको समझना है, बल्कि इनको रटना है, क्योंकि रटोगे नहीं तो कैसे लिखोगे, तो रटना है. सिक्स पॉइंट्स. केस वन पॉइंट वन, असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. असेट ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड अदर देन मैरिड माइनर डॉटर होल्डर ऑफ इम्पार्टिएबल स्टेट. सोसाइटी में मेंबरशिप के कारण इमूवेबल प्रॉपर्टी का पजेशन मिल जाना. एंड देन सेक्शन 53A ऑफ टोपा. एंड लास्ट, लीज वेयर द अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड इज मोर देन 12 इयर्स. इफ यू आर कवर्ड इन एनी ऑफ दिस सिक्स थिंग्स, यू आर डीम्ड ओनर. एंड इफ यू आर ओनर, सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन आप पे लग सकता है, लग सकता है, क्योंकि बाकी भी कंडीशन है. अब इसमें तीसरी और आखिरी कंडीशन आती है, और वो कंडीशन आती है, दैट इज दिस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय असेसी. असेसी के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए ये यूज्ड नहीं होना चाहिए. अब सेक्शन 22 की कंडीशन, हाउस प्रॉपर्टी हेड कब लगेगा? There should be a building or land appurtenant there too, which is owned by the SSC and it is not used for the purpose of business or profession carried on by the SSC. बस इतना सा है. House property head में tax कब लगेगा? There is a building or land appurtenant there too, building हो या building plus land हो, SSC की ownership में हो, beneficial ownership or deemed ownership, और फिर it should not be used for business or profession carried on by SSC. ये जो third point है, इस पॉइंट में एक छोटा सा जो चीज है जिसको आपने थोड़ा एलोबरेट किया हो, वो ये है कि अगर असेसी इस असेट को अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहा है, इफ इट इज यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी हेड इज नॉट अट्रैक्टेड. ठीक है, नॉट कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड. इफ ही इज नॉट यूजिंग इट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी हेड इज अट्रैक्टेड. ये उसका मतलब एक सेंटेंस है, और मैं ऐसा कहता हूं कि इस पूरे सेंटेंस में नॉट एक जगह आता है. इफ नॉट यूज फॉर बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी में नॉट मत लगाना, हाउस प्रॉपर्टी अट्रैक्टेड. इफ यूज फॉर बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी हेड नॉट अट्रैक्टेड. सिंपल है, रखने का तरीका ढूंढना पड़ेगा. तो यह तरीका मेरे को लगा कि एक जगह है, हाउस प्रॉपर्टी हेड कब अट्रैक्ट होगा? व्हेन इट इज नॉट यूज फॉर बिजनेस. एंड हाउस प्रॉपर्टी हेड विल नॉट बी अट्रैक्टेड इफ इट इज यूज फॉर बिजनेस. Used for business को हम अच्छी भाषा में, थोड़ा कानूनी भाषा में कहते हैं commercial exploitation. Commercial exploitation अगर आप property का करोगे तो you are using it for business or profession. And अगर आप उसको business profession के लिए use कर रहे हो तो house property head में आपको charge नहीं लगेगा, शायद business head लगे आपको. House property head का charging की बात तब आएगी when it is something which is not used for business and profession. Commercial exploitation is an important word. Commercial exploitation. अब commercial exploitation क्या होता है? यह भी बहुत simple है. Income tax actually complicated नहीं है. Commercial exploitation क्या होता है? उसमें तीन facets हैं. तीन circumstances में हम कहेंगे commercial exploitation कर रहे हैं. हमारे पास एक building है, वो बिल्डिंग परमानेंटली हम ही यूज करना चाहते हैं, टेम्पररीली हमने किसी को लेट आउट कर दिया. एक व्यक्ति कोई फैक्ट्री चला रहा है, फैक्ट्री में घाटा हो गया बहुत, टेम्पररीली उसने थोड़े दिन के लिए फैक्ट्री किराए पे दे दी, लॉन्ग रन में फैक्ट्री खुद चलाना चाहता है, टेम्पररी लेट आउट इज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन. सेकेंड, और यह याद रखना, अगर टेम्पररी लेट आउट किया मतलब बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, और अगर बिजनेस के लिए यूज कर रहा है मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा. तो मैंने टेम्पररीली फैक्ट्री किराए पे दी,
लॉन्ग रन में मैं चलाना चाहता हूं, तो मेरा यह कहने का मतलब है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड मुझे नहीं लगेगा, जो किराया में कमा रहा हूंगा इट विल गो टू बिजनेस हेड और समवेयर एल्स, हाउस प्रॉपर्टी हेड तो नहीं लगेगा। मेरी होटल है, होटल नहीं चल रही है, अभी खराब चल रही है, लॉसेस में है, टेम्पररीली मैंने होटल किराए पर दे दी, लॉन्ग रन में होटल में खुद चलाना चाहता हूं। टेम्पररी लेट आउट की इनकम इज कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन एंड इट विल गो टू द हेड बिजनेस प्रोफेशन और समवेयर एल्स, हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा अगर लॉन्ग रन में वो चीज मैं खुद करना चाहता हूं तो। सेकंड उदाहरण होता है कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन का, जो होता है इफ लेटिंग इज सब सर्वियंट, लेटिंग इज सबॉर्डिनेट। मेन इंटेंशन आपका है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो और लेटिंग उस इंटेंशन से सबॉर्डिनेट है। लेटिंग इज सबॉर्डिनेट, मेन इंटेंशन इज टू प्रोवाइड अ सर्विस। होटल का कमरा, अब होटल वाले ने कमरा किराए पर दिया तो उसने न केवल कमरा किराए पर दिया है, वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टीवी, फ्रिज, बहुत सारी चीजें दे रहा है, और रेस्टोरेंट हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें। पॉइंट इज दे आर नॉट गिविंग यू अ रूम, दे आर गिविंग यू अ फैसिलिटी, एंड देयरफॉर होटल का जब कमरा किराए पर दिया जाता है, होटल वाले को इनकम जो होती है इट कैन नॉट बी अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इट मे बी हिज बिजनेस इनकम, क्योंकि कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन वो कर रहा है, उसका मेन इंटेंशन कमरा किराए पर देने का नहीं है, उसका मेन इंटेंशन है आपको प्रॉपर अकोमोडेशन देने का, प्रॉपर सर्विस देने का, दैट इज इट। होस्टल, होस्टल में कमरा किराए पर दिया, कमरा नहीं दे रहे, दे मे प्रोवाइड मेस फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, सो इट इज अ फैसिलिटी विच दे आर प्रोवाइडिंग एंड देयर इनकम इज समथिंग विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन और समवेयर एल्स। कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन वो कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। ठीक है, उदाहरण ले सकते हो आप, बैंकवेट हॉल, शादी पार्टी वगैरह के लिए हॉल किराए पे दिया, कमरा थोड़ी दिया उन्होंने, उन्होंने फैसिलिटी दी है, केटरिंग भी हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर भी हो सकता है, पार्किंग हो सकता है, तो इट इज समथिंग विच इज अ फैसिलिटी एंड देयर फॉर इनकम इज टैक्सेबल नॉट अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड बिकॉज इट इज कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। एंड थर्ड एंड द लास्ट कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन का तीसरा उदाहरण, और वो होता है जहां पर हमने कॉम्पोजिट असेट किराए पर दिए। मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लांट किराए पे दिया और मेरा मेन इंटेंशन प्लांट देने का था, बिल्डिंग तो ऐसे ही किराए पर दे दी, प्रीडोमिनेंट इंटेंशन था प्लांट किराए पे दूं, साथ में फैक्ट्री बिल्डिंग भी किराए पर दे दी, तो दैट इज व्हाट यू कैन से इज अ कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, वेयर लेटिंग आउट इज समथिंग विच यू कैन से यू हैव लेट आउट कॉम्पोजिट असेट्स, और उन कॉम्पोजिट असेट्स में से मेनली आप किराए पे देना चाहते थे अदर असेट अदर देन बिल्डिंग, प्लांट और फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पे दी, मेनली तो प्लांट देना चाहते थे पर वो वहां लगा हुआ था तो शेड भी साथ में किराए पे दे दिया। आप मकान और एसी, ठीक है, अब उसमें ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि एसी मेनली किराए पे देना चाहते थे, साथ में मकान भी दे दिया, पर अगर ऐसा होता तो हम कहते कि प्रीडोमिनेंटली आप जो असेट है वो दूसरा असेट किराए पे देना चाहते थे, दूसरा असेट किराए पे देना चाहते थे, साथ में आपने बिल्डिंग भी किराए पर दे दी, तो हम कहेंगे कि इट इज अ कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन एंड देयरफॉर योर इनकम इज समथिंग विच इज टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड नॉट हाउस प्रॉपर्टी। जैसे मॉल में होता है, वो दुकान किराए पर नहीं देना चाहते, ठीक है, उनका इंटेंशन है दुकान, वहां का फर्नीचर, वहां का एसी, वहां का कॉमन पार्किंग एरिया, वो सब आपको देना चाहते हैं, और साथ में उन्होंने एक प्रीमाइसेस भी आपको किराए पे दे दिया, तो मॉल के ओनर की जो इनकम होती है इट इज इनकम फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। उन्होंने एक ही असेट किराए पे नहीं दिया है, उन्होंने कई असेट्स एक साथ किराए पे दिए हैं, मेनली वो आपको एक जगह देना चाहते, मेनली वो आपको एक फैसिलिटी देना चाहते हैं जहां आप अपना प्रोडक्ट बेच सको। इट इज नॉट लेटिंग अ बिल्डिंग, इट इज अ लेटिंग अ फैसिलिटी जिसके जगह आप वहां पे इनकम कमा सको। तो दैट इनकम इज समथिंग विच मे नॉट गो टू द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इट मे गो टू सम अदर हेड। हाउस प्रॉपर्टी में ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन किया तो आप बिजनेस कर रहे हो, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन किया तो बिजनेस कर रहे हो, एंड इफ इट इज यूज फॉर बिजनेस नॉट हाउस प्रॉपर्टी, इफ इट इज नॉट यूज फॉर बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी। ज्यादा एम्फेसाइज मत करना अगेन आई से, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते, मोर इज अ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट जो मैं अब आपको बताऊंगा। थ्योरी बेसिक तीन पॉइंट से बेस्ड है, नंबर वन, देयर शुड बी अ बिल्डिंग और अ लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, टू, ओन्ड बाय द एसएससी, थ्री, नॉट यूज फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इफ ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी।
अब बड़ी बात आती है हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे होगा। मैं आपको बताता हूं हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन सिर्फ 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम में, एंड आई विल पुट इट वेरी सिस्टमैटिकली। देर आर 7 steps इन द कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आई डोंट नो इफ यू हैव रिटन इट समटाइम्स दैट वे, नहीं लिखा तो वैसे लिख लो। 7 steps हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में बेसिकली जो टैक्सेबल होता है वो होता है एनुअल वैल्यू, और ये 7 steps के बाद निकलेगा एनुअल वैल्यू। और हाउस प्रॉपर्टी हेड की सबसे प्रोमिनेंट बात आपको बताई जाती है कि इनकम टैक्स जनरली रियल इनकम पे लगता है, पर इसमें नोशनल इनकम भी टैक्सेबल हो सकती है। तो आपको किराए की इनकम नहीं भी हुई तो भी आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लग सकता है। रिमेंबर दिस हाफ पेज डिस्कशन जो अभी मैंने किया, देयर इज अ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू ओन्ड बाय द एसएससी नॉट यूज फॉर बिजनेस। अब ये और कर लो आधे और पेज का, एक पेज में हाउस प्रॉपर्टी समराइज्ड रिवाइज्ड फॉर एग्जाम। हाउस प्रॉपर्टी हेड की कैलकुलेशन की स्टेप वन इज एट द फर्स्ट इंस्टेंस यू कैलकुलेट 2 figures, और वो 2 figure होते हैं जिनका हायर फिगर कहलाता है रीजनेबल रेंट। कैलकुलेट रीजनेबल रेंट, रीजनेबल रेंट इज इक्वल टू म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ बात का। एंड दिस फिगर और स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट विच एवर इज लोअर। सभी शहरों में रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं होता है, तो अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो कंसीडर कर लेना, नहीं दिया जाए तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर करके छोड़ देना। ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं हो तो ऐसा मत कहना निल है। ठीक है, निल नहीं है वो, यू हैव टू टेक इट कि वो उस शहर में है ही नहीं, दैट्स इट। अब जनरली ये जो फिगर्स हैं सारे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर मार्केट रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, ये पूरे साल का फिगर लिया जाएगा। जनरली इट इज टेकन फॉर फुल ईयर। आई विल राइट इट, जनरली दिस फिगर इज फॉर फुल ईयर। इस पे कभी ध्यान मत देना कि सर हमने तो 4 महीने ही प्रॉपर्टी किराए पे दी, 6 महीने ही किराए पे दी, क्योंकि ये नोशनल इनकम पे टैक्स है। आपने कितने महीने प्रॉपर्टी किराए पे दिया ये आपका मैटर है। ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट इट, हम तो आपको पूरे साल के रेंट पे टैक्स लेंगे। सो ऑल दी 3 figures आर टू बी टेकन फॉर दी फुल ईयर। हाउएवर दैट इज, अरे वो कैसे भूल सकते अपन, यस, हाउएवर इन 2 cases में रीजनेबल रेंट निकालने के लिए फिगर फुल ईयर के नहीं लिए जाते। सिंपल, इसी साल अगर आपने प्रॉपर्टी को परचेस किया है, वेरी गुड, या सेल किया है, दैट्स इट। इस साल मान लो दिसंबर में ही खरीदा तो दिसंबर से मार्च तक का ही फिगर लो, या इस साल बेचा आपने तो जब बेचा तब तक का ही फिगर लो, उसके बाद का मत लो। सिंपल बात, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, दैट इज इट, फुल ईयर का फिगर लो, नहीं तो जितने समय का है उतने का ले लो भी। स्टेप 2 बहुत सिंपल, स्टेप 2 होता है एक्चुअल रेंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंट। एंड हाउ यू कैलकुलेट एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट मींस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, दैट इज अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मैंने मकान कितने महीने किराए पे दिया इस पे मैं ध्यान दूं, इस पे ध्यान नहीं दूं कि मैं एक्चुअली मकान का किराया कितने महीने का मिला। तो मान लो मैंने साल भर किराए पे दिया पर मकान का किराया 10 महीने का ही मिला, आई डोंट केयर, अक्रूअल सिस्टम इज द मेथड। साल भर के रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट इज द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द पीरियड द प्रॉपर्टी वॉज अवेलेबल फॉर लेट आउट। यू हैव टू टेक द फिगर फॉर दैट पीरियड द प्रॉपर्टी वॉज अवेलेबल फॉर लेट आउट। तो हम जब किराए पे देना चाहते थे, दिया या नहीं दिया, देना चाहते थे उतने समय का हमको ये फिगर लेना है। मान लो हमने किराए पे एक्चुअली दे दिया, उस महीने का भी मेरे को ये एक्चुअल रेंट लेना है। देना चाहता था पर अच्छा किराएदार नहीं मिला, जिसको हम कहते हैं वेकेंट पड़ी रही प्रॉपर्टी, वेकेंट पड़ी रही तो भी मेरे को टैक्स लगेगा, उस महीने का भी एक्चुअल रेंट आप कंसीडर करना। मैं देना ही नहीं चाहता था प्रॉपर्टी, खुद ऑक्यूपाई कर रखी थी
उसमें मैं रहता था, परिवार वाले रहते थे, दोस्त रहते थे, किराए नहीं देते थे. पॉइंट इज मैं प्रॉपर्टी किराए पे देना ही नहीं चाहता था. सेल्फ ऑक्यूपाइड है. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में एक्चुअल रेंट मत कंसिडर करना, क्योंकि यू हैड नो इंटेंशन टू गिव इट ऑन रेंट. द वर्डिंग्स इन दिस सेक्शन इज अवेलेबल फॉर लेट आउट. तो जितने महीने प्रॉपर्टी किराए पे देना चाहते थे, जो आपने दे दिया या नहीं दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं, देना कितने महीने चाहते थे उतने महीने का एक्चुअल रेंट लिया जाएगा माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, बैड डेट्स. अनरियलाइज्ड रेंट मतलब बैड डेट्स, जो हमको रेंट रियलाइज ही नहीं हुआ. बैड डेट्स का डिडक्शन मिलने की चार कंडीशन है और बहुत ही लॉजिकल है. सामने वाला अगर मेरे को किराया नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा, उसको निकाल दूंगा घर से, उसको किराए पे और कोई मकान नहीं दूंगा अपना, रेंट की रिकवरी की एफर्ट करूंगा. दैट इज व्हाट आई विल डू. तो यही बातों को उन्होंने लिखा है कि ये सच में एक रेंट का एग्रीमेंट था, बोनाफाइड एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी. सेकंड कंडीशन इज आपको किराया नहीं दिया तो आपने उसको मकान से निकाल दिया या निकालने के एफर्ट्स कर लिए. थर्ड कंडीशन इज पैसा रिकवर करने के एफर्ट्स कर लिए. एंड फोर्थ कंडीशन इज उसको और कोई मकान किराए पर नहीं दिया. ये चार कंडीशन है. आई रिपीट, देयर इज अ बोनाफाइड एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी, द डिफॉल्टिंग टेनेंट वॉज द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैड टू वेकेट द प्रॉपर्टी और यू हैव डन एफर्ट्स टू गेट द प्रॉपर्टी वेकेटेड, यू हैव डन एफर्ट्स टू रिकवर द रेंट एंड यू हैव नॉट गिवन एनी अदर प्रॉपर्टी टू दैट पर्सन और हिज फैमिली मेंबर ऑन रेंट. तो इफ ऑल द फोर कंडीशन आर सेटिस्फाइड यू विल गेट अ डिडक्शन ऑफ बैड डेट, दैट इज अनरियलाइज रेंट. एक स्टेटमेंट यह भी है कि जनरली ये जो एक्चुअल रेंट लिया जाता है, ये एक्चुअल रेंट लिया जाता है फॉर फुल ईयर. द फिगर इज टेकन फॉर फुल ईयर. हाउएवर तीन केसेस में दिस फिगर इज नॉट टेकन फॉर फुल ईयर. और वो तीन केसेस हैं, इसी साल प्रॉपर्टी खरीदा, इसी साल बेचा और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था. सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो इट वॉज नॉट अवेलेबल फॉर लेट आउट. तो ये तीन केसेस हैं. अब आप लॉजिकली सोचना जो मैं कह रहा हूं. स्टेप टू बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लॉजिकली सोचना. अब उसमें क्या आपको फिर परम्यूटेशंस बुक्स में दिए रहते हैं कि मान लो मेरे साल भर में से 12 महीने में से पूरे 12 महीने मैंने किराए पर दिया प्रॉपर्टी और 10 महीने जो था उसका किराया मेरे को मिला, तो मेरा रीजनेबल रेंट कितने महीने का निकलेगा? 12 महीने का. एक्चुअल रेंट कितने महीने का निकलेगा? 12. 2 महीने का किराया नहीं मिला तो भी एक्चुअल रेंट 12 महीने का निकलेगा. अगर बैड डेट हो गई तो मैं अलग से माइनस कर दूं. इफ आई फुलफिल द कंडीशन वो अलग से माइनस कर दूं. बेसिक तो 12 महीने का मेरा फिगर निकलेगा. फिर उसके बाद ठीक है, दीज आर दी क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन का वैरायटी बता रहा हूं, उसके अलावा है ही नहीं, सड़ा सा हेड है ये. पॉइंट इज दिस, देन मैंने प्रॉपर्टी 12 महीने के में से 9 महीने किराए पे दिया, 9 महीने का रेंट से मुझे मिल गया. और 3 महीने क्या था? 3 महीने जो था ये 3 महीने प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी रही. अब ध्यान देना, रीजनेबल रेंट कितने महीने का लोगे? एक्चुअल रेंट कितने महीने का लोगे? 12. क्योंकि इट वॉज अवेलेबल फॉर लेट आउट, किराए पे देना चाहता था, किराएदार नहीं मिला तो वो एक अलग मैटर है, 12 महीने. इसमें आपको वेकेंसी अलाउंस मिलता है कुछ, वो अलग है बात, है ना, वो सेपरेट है, अलग स्टेप है उसका. फिर साल के 12 महीने में से मैंने प्रॉपर्टी 9 मंथ्स किराए पर दिया और 3 मंथ्स प्रॉपर्टी जो था वो एसओपी रहा. रीजनेबल रेंट कितने महीने का लोगे? 12. क्योंकि एसओपी है तो भी क्या करें, रीजनेबल रेंट में देयर इज नो कंसेशन. और एक्चुअल रेंट कितने महीने का लोगे? 9. अब विच एवर इज हायर करना, ठीक है, दैट इज स्टेप 3. कुछ भी आपने लिया, फिगर्स आपके स्टेप 1 में आ गए, स्टेप 2 में आ गए, दो भी आए, कहीं ये मिसमैच भी आपको लग सकता है कि एक 12 महीने का लिया और एक 9 महीने का लिया. लॉ कहता है भाई जो आपको लेना है फिगर प्रिसाइज बता देता है. नाउ लेट अस गो टू द स्टेप 3. स्टेप 3 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज सबसे सिंपल स्टेप. स्टेप 3 इज इक्वल टू स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर. स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर, दैट इज व्हाट यू विल गेट एज अ स्टेप 3 फिगर. दैट इज द रीजनेबल रेंट और द एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है. इसके बाद मैं आपको ले जाता हूं टुवर्ड्स स्टेप 4. स्टेप 4 जो है उसको हम नाम देते हैं वेकेंसी अलाउंस. वेकेंसी अलाउंस, वेकेंसी अलाउंस के कैलकुलेशन के लिए यू शुड स्टार्ट विथ स्टेप 3.
तो आपका स्टेप थ्री का फिगर निकला, वो स्टेप थ्री के फिगर में से आपको माइनस करना है वैकेंसी अलाउंस, और जो वैकेंसी अलाउंस का फिगर निकलता है वो वैकेंसी अलाउंस का फिगर होता है नंबर ऑफ मंथ्स So I start back. What I was saying was कि जो आपका calculation है उसमें step 4 is vacancy allowance, and vacancy allowance का fundamental है step 3 का figure minus number of months for which the property was vacant, number of months for which the property was vacant multiplied by the monthly rate of the actual rent, the rate of actual rent, हर महीने जो actual rent का rate है उसको multiply कर दो with number of months for which the property was vacant, और वो multiply करके जो figure आएगा वो figure कहलाएगा vacancy allowance, वो vacancy allowance आपको deduction के रूप में मिलेगा. So that is a deduction. और ये step करने के बाद जो net figure आएगा वो कहलाता है gross annual value, जो section 23 का एक हिस्सा हो जाता है. Section 23 is a very big section जो कहता है you start with the reasonable rent, then you have actual rent, then you do whichever is higher, और वो higher में से आप दे दो vacancy allowance. बहुत लोगों को बहुत confusion ये होता है कि सर unrealized rent कब minus करूं, whichever is higher करने के बाद करूं या पहले करूं. मैंने आपको systematic बता दिया है, actual rent minus unrealized rent will give you one figure step 2, और उसको फिर higher करो, मतलब पहले unrealized rent minus करो फिर करो whichever is higher, be systematic. सर vacancy allowance कब minus करूं, whichever is higher के पहले या बाद में? बाद में. You have the answer, that is the law. अब step 5, once you have got the vacancy or gross annual value, इस gross annual value में से एक सड़ा सा figure minus करते हैं जो कहलाता municipal rent, ठीक है, the I should say municipal taxes, ठीक है, municipal taxes. तो ये कैसे होगा, जो step 4 का figure निकला वो step 4 के figure में से minus municipal taxes which is actually paid by landlord or tenant, landlord or tenant, actually paid by landlord. एक याद बात रखना, अपना assessee कौन है, जिसको किराए की income हो रही है, landlord. तो अपना जो assessee है landlord, उसने जो municipal tax pay किए हैं उसका deduction की बात कर रहे हैं. Municipal tax actually paid by the landlord, उसका deduction आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है. That is step 5. इसके बाद के फिगर को हम कहते हैं कि ये होता है नेट एनुअल वैल्यू. ये बहुत बड़ा फिगर है क्योंकि ये जो फिगर है इसके बाद एक सेक्शन खत्म हो जाता है, सेक्शन 23. हाउस प्रॉपर्टी के दो सेक्शन 22 और 23. अब इस फिगर में से आप आ जाओ सेक्शन 24 में. सो द नेक्स्ट फिगर विच यू विल हैव इज स्टेप 6, और स्टेप 6 में आपको दो फिगर माइनस करने हैं. एक तो सिर्फ मैथमेटिकल फिगर है एंड दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि खर्चे का डिडक्शन आपको अलग से हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं दिया जा रहा है, तो खर्चों के डिडक्शन के एवज में स्टैंडर्ड बेसिस पे आपको खर्चों का डिडक्शन दिया जा रहा है. खर्चों का डिडक्शन जो है स्टैंडर्ड बेसिस पे आपको दिया जा रहा है, और वो कैसे होता है, स्टेप 5, दैट इज व्हाट यू कैन से एनएवी. एनएवी में से माइनस करेंगे 30% ऑफ स्टेप 5 एनएवी, और ये माइनस करके आपका फिगर आ जाएगा जो 70% फिगर हो गया. मतलब खर्चे आपने कम किए या ज्यादा किए या जो भी किए, आपको मकान का इंश्योरेंस कराना पड़ा होगा, व्हाइट वॉशिंग करानी पड़ी होगी, रिपेयर्स कराना, जो भी होगा, सबके एवज में हम आपको स्टैंडर्ड बेसिस पे 30% ऑफ योर इनकम
डिडक्शन दे देते हैं 30% ऑफ योर नेट इनकम। ये भी एक कॉमन समस्या है, लोगों को ऐसा लगता है 30% किसका करें, म्यूनिसिपल टैक्स के पहले या बाद में, ब्याज के पहले या बाद में, पहले, है ना। रिमेंबर दिस, दिस इज ऑल फाइन पॉइंट्स। नाउ स्टेप 7, द लास्ट स्टेप, एंड दैट इज द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। रिमेंबर वन बिग थिंग, इट इज अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस। इंटरेस्ट आपने पे किया नहीं किया, वी डोंट केयर, इट इज अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस। ये लोन आपने किससे लिया था, बैंक से लिया था या प्राइवेट लिया था, वी डोंट केयर, यू गेट अ डिडक्शन ऑफ बोथ। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चंस हैं ये बहुत सारे, कि साहब हमने दोस्त से लोन लिया, हमने रिलेटिव से लोन लिया, सबको ब्याज का पेमेंट अलाउड है, आपने जिसको ब्याज पे किया आपको अलाउड है। सो इंटरेस्ट डिडक्शन इज अलाउड वेदर द लोन इज फ्रॉम बैंक और प्राइवेट पार्टी, वेदर द यू कैन से द लो इंटरेस्ट हैज बीन पेड और अक्रूड, यू गेट अ डिडक्शन ऑन अक्रूअल बेसिस। गॉट इट, ओके विद दिस। अब सुनो बात, इंटरेस्ट का डिडक्शन का एक छोटा सा चार्ट है, उस चार्ट के बेसिस पे आप समझो इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा। यू डिवाइड द इंटरेस्ट इनटू टू पार्ट्स, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, होता है ना ऐसा। अब मेरे मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 6 नवंबर 2017 को। एक तो यह समझ लो कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है जब मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके प्रीसीडिंग ईयर का आखिरी दिन। तो 6 नवंबर 2017 को मकान कंप्लीट हुआ, मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, तो हम कह रहे हैं 16-17 फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 मार्च 2017। इसके पहले का जो ब्याज है वो कहलाएगा प्री कंस्ट्रक्शन, इसके बाद का जो ब्याज है वो कहलाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ये भी एक कॉमन कंफ्यूजन है, वो प्री कंस्ट्रक्शन को लेके, डेट को लेके, वो डेट में क्या, अभी प्री कंस्ट्रक्शन कैसे कैलकुलेट करें वही नहीं समझ पड़ता। तो रिमेंबर इट, अकाउंट्स में हो सकता है प्री कंस्ट्रक्शन 6 नवंबर के पहले तक का होगा, पर हाउस प्रॉपर्टी हेड इन इनकम टैक्सेस प्री कंस्ट्रक्शन हम क्या देखेंगे, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके प्रीसीडिंग ईयर की आखिरी तारीख का हम कह लेंगे दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन, और बाद को हम कहेंगे दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन आपको उस समय नहीं मिलता है जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका डिडक्शन आपको मिलता है जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो मेरे उदाहरण में I'll just start back, I'll put it on, ठीक है, with the or somebody can put it on with your mobile. Thank you. So I'll just continue saying it. You can please take a note of it. You can listen to it. मेरे example में 31 मार्च 17 तक का जो interest है वो pre-construction interest है, और ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन आपको मिलेगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो 31 मार्च 17 तक का जो ब्याज है उसका डिडक्शन आपको मिलेगा अगले साल से, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, दैट वे 5 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा, और डिडक्शन मिलेगा 1/5 फॉर दिस पीरियड ऑफ 5 years। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है इसका डिडक्शन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 assessment years, 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 assessment years व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। एंड देन पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन आपको मिलता है ईयर टू ईयर बेसिस पे, हर साल का जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन आपको हर साल मिलता है। और उसमें क्या टेस्ट है, अक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, और डिडक्शन ऐसे मिलता है, मैं आई ट्राई टू ड्रॉ दैट चार्ट, एक मिनट में, वंस द प्रोजेक्टर कम्स आउट यू कैन ऑल्सो नोट इट। सो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है, अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है, एंड लेट आउट मीन्स टू थिंग्स, लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट, अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है, तो उनके केस में What happens is आपको ईयर टू ईयर जितना भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ उस पूरे का डिडक्शन मिल जाएगा, फुल इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है,
क्राइटेरिया क्या कि 2 लाख का मिलेगा, 30,000 का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे दिया है, आपका इंटरेस्ट 1 लाख बने, 2 लाख बने, 5 लाख बने, जितना इंटरेस्ट बनता है, एंटायर अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट इज अलाउड। पर अगर ये प्रॉपर्टी एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एसओपी में एक क्राइटेरिया होता है जो मैं अभी बता देता हूं, और वो होता है कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू निल ली जाती है, जीरो ली जाती है। सो इफ आई एम सेइंग सेल्फ ऑक्यूपाइड, आई एम सेइंग वन सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसकी नेट एनुअल वैल्यू निल ली गई है। उसके केस में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम साल का मिलता है 30,000, मैक्सिमम साल का इंटरेस्ट डिडक्शन इज 30,000। एंड व्हाट आई मीन इज प्री कंस्ट्रक्शन का जो 1/5 है, प्री का 1/5 पांच साल तक मिलेगा ना, तो वो भी हो सकता है, और पोस्ट का जो करंट ईयर का शेयर है, ईयर टू ईयर वाला, इन दोनों को मिला के जो शेयर बना, प्री का 1/5 प्लस पोस्ट, ये दोनों मिला के जो बना वो जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, एंड द डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 शेयर प्लस पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो करंट ईयर का शेयर है, दोनों मिला के जो बना, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000। एंड इफ 4 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस फिगर एज 30,000, यू शुड टेक दिस फिगर एज 2 लाख। व्हाट आर दोस कंडीशंस? यह लोन 1 अप्रैल 99 या उसके बाद लिया गया, जो हो गई अब तो, मतलब वी आर टॉकिंग इन 2018 नाउ। सेकेंड कंडीशन, यह लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लिया गया है, इट इज नॉट फॉर रिपेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, इट इज फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। लोन लेने से 3 साल थे, अब हो गए 5 साल, अमेंडमेंट है, लोन लेने से 5 साल में मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। एंड फोर्थ कंडीशन, इंटरेस्ट का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको दिया जा चुका है, जो एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है कि भाई जो लोन का ब्याज बना, बैंक ने या जिसने भी लोन दिया था उसने सर्टिफिकेट दे दिया कि कितना ब्याज बना। इफ ऑल द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, आपको ब्याज का डिडक्शन मिलेगा, और डिडक्शन मिलेगा पूरा 2 लाख रुपए तक का, प्री का 1/5 प्लस पोस्ट का, ये दोनों मिला के जो शेयर है वो 1/5 रहेगा। एक बार फिर कह देता हूं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच मे कॉज कंफ्यूजन, सो लेट मी पुट इट अगेन। स्टेप 7, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, और डिडक्शन मिलता है अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। फिर ये लोन बैंक से लिया हो या प्राइवेट हो, हर केस में ब्याज का डिडक्शन मिलता है। फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो होता है जो कंस्ट्रक्शन जिस साल कंप्लीट हुआ उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च होता है प्री कंस्ट्रक्शन, वहां तक का इंटरेस्ट कहलाता है प्री कंस्ट्रक्शन। उस प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट उस समय डिडक्शन नहीं मिलता है जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारे उदाहरण में 31 मार्च 2017 तक उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर उस अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा 17 के बाद, फाइनेंशियल ईयर 17-18 से उसका 1/5 फॉर 5 ईयर्स डिडक्शन मिलेगा। प्लस हर साल आपको पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा, और वो ईयर टू ईयर मिलेगा, जब जितना इंटरेस्ट बना उतना डिडक्शन मिलेगा। कितनी सिंपल बात है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, किराए पे दी है, तो जितना किराया बनता है उतना पूरा डिडक्शन मिलेगा, मतलब जितना इंटरेस्ट बनता है पूरा, कोई 2 लाख की लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट बनता है पूरा क्लेम कर लो। तो मजे ये हो गए कि इस साल का पूरा इंटरेस्ट प्लस प्री कंस्ट्रक्शन वाला 1/5 ये पूरा क्लेम कर लो पहले 5 सालों में। और फिर अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है जिसकी एनएवी निल ली है, उसके केस में भी आपको साल का 30,000 तक का तो डिडक्शन इन एनी केस मिलेगा, 30,000 मैक्सिमम है। और अगर आपने 4 कंडीशन फुलफिल कर दी, तो यार मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन विल बी 2 लाख। 1 अप्रैल 99 के बाद लोन लिया है, परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, 5 साल में मकान बन गया। एंड फोर्थ एंड द लास्ट कंडीशन इज इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। छोटी छोटी बातें हैं, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? पैनल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पैनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पर पुराना लोन को चुकाने के लिए नया लोन लिया, उस पर जो ब्याज बना उसका डिडक्शन मिलेगा, दैट इज इट, ठीक है। रोल ओवर करा लिया लोन को, तो ब्याज का डिडक्शन, नए लोन पर भी जो ब्याज का डिडक्शन है वो भी मिलेगा। ये बेसिक हाउस प्रॉपर्टी है। इसके बाद मैं आपको सिर्फ 4 एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं, 4 फुटनोट्स, एंड इफ यू नो इट यू हैव डन हाउस प्रॉपर्टी। फुटनोट नंबर 1, फुटनोट नंबर 1 वुड बी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में नोशनल इनकम पे टैक्स लगता है, तो इस कारण से वो बिल्डर्स जिन्होंने मकान बना लिए हैं
और बना के उनके मकान अभी तक बिके नहीं है। आप सोच सकते हो ओमेक सिटी, सहारा सिटी, ऑल दिस टाइप्स ऑफ दैट कॉलोनीज, उन्होंने मकान बना लिए और बना के बिके नहीं। उनका कहना है सर मकान हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि हम तो मकान बना के उसको बेचते हैं, हमारा तो बिजनेस ही ये है, हमारे लिए मकान स्टॉक इन ट्रेड है। सरकार ने कहा स्टॉक इन ट्रेड हो तो होगा, हम क्या करें, क्योंकि आपने मकान बनाए, आप ओनर हो, आप बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टनेंट देयर टू है, एंड दिस इज नॉट यूज फॉर योर बिजनेस राइट नाउ, सो देयरफॉर इसके ऊपर नोशनल इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिनके लिए मकान स्टॉक इन ट्रेड है उनको भी मकान के किराए पर, नोशनल किराए पर टैक्स देना पड़ेगा। उनको म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू और मार्केट रेंट, दिस फिगर विच एवर इज हायर, और दिस फिगर और स्टैंडर्ड रेंट विच इज लेस, जिसको हम कहते हैं रीजनेबल रेंट, उनको भी रीजनेबल रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा तकलीफ हो सकती है उनको। डीएलएफ ने देश भर में 200 कॉलोनी बनाई और एक एक कॉलोनी में 200 मकान बनाए, 4000 मकान बना दिए और बिक ही नहीं रहे वो। अब मैं ये कह रहा हूं कि डीएलएफ को इन 4000 मकानों के किराए पर टैक्स देना पड़ेगा, पर डीएलएफ का कहना है किराए पर तो चलाए नहीं हमने, देना पड़ेगा क्या टैक्स? देना पड़ेगा। उन 4000 मकानों का किराया जो भी बनता होगा इस फॉर्मूला से, उसके ऊपर उनको टैक्स देना है। कमाओ नहीं पर टैक्स तो भरो, क्यों बना है फिर मकान ये, ठीक है, तो टैक्स दो, ये सरकार का कहना है। आपको अगर अनफेयर भी लगे तो दिस इज द पॉइंट व्हिच इज देयर। सिर्फ कंफर्ट ये दिया है कि कंस्ट्रक्शन के बाद हम आपको एक साल का एक गेस्टेशन पीरियड देते हैं, वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। आपको जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, चलो उस साल से एक साल तक हम आपको टैक्स नहीं लेंगे, एक साल बाद आपको टैक्स लगेगा। एक साल में अगर मकान बिक गया, वेल एंड गुड, नहीं बिका हम आपको फिर टैक्स लेंगे। वन ईयर तक योर वैल्यू ऑफ हाउस विल बी निल, रेंटल वैल्यू विल बी निल। आफ्टर वन ईयर दूसरे साल से आपको टैक्स लगने लगेगा। Yeah, I don't know if you have studied it. पढ़ा है क्या? This has come out as an amendment in your notes. You will see that as an amendment. Second point जो है, जो ध्यान देना चाहिए, और वो point है SOP का concept. वो मकान जो मैं खुद अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए रखता हूं, उनसे किराया नहीं लेता, वो सब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मेरा इंटेंशन है कि वो जो मकान है उस मकान को मैं किराए पर नहीं चलाऊंगा, उस मकान को मैं खुद रखूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। कुछ लोगों का कहना है साहब एक व्यक्ति तो एक ही मकान में रहता होगा ना, तो मैं एक्चुअली इसीलिए क्लेरिफाई कर रहा हूं कि मैं रहने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन उसको किराए पर चलाने का नहीं है, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। उसमें मैं रहूं या नहीं रहूं, खाली पड़ा रहे वो मेरे परिवार वाले रहे, उसमें दोस्त रहे, माय इंटेंशन इसकी मैं उसको किराए पर नहीं चलाऊंगा। दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और हर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रीजनेबल रेंट के ऊपर आपको टैक्स लगता है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप क्या करते हो, रीजनेबल रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो जो हायर है उस पर टैक्स देना पड़ता है। और ये वेकेंट भी नहीं है, वेकेंट तो तब होता है जब आप किराए पे देना चाहते थे पर किराएदार नहीं मिला। यहां एग्जाम्पल है किराए पर दे ही नहीं, मतलब देना ही नहीं चाहते थे, तो इस केस में आपको रीजनेबल रेंट पे टैक्स लगेगा। और रीजनेबल रेंट पे सब पे टैक्स लगेगा, पर एक व्यक्ति के लिए एक मकान का एग्जम्पशन है। फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड HUF द नेट एनुअल वैल्यू, एंड मार्क माय वर्ड, एवरी वर्ड वुड बी इंपॉर्टेंट, NAV कह रहा हूं मैं, मतलब दिस फिगर इज आफ्टर म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू फॉर वन, फॉर इंडिविजुअल HUF द नेट एनुअल वैल्यू फॉर वन SOP विल बी टेकन एज निल। तो मेरे पास मान लो चार मकान हैं, चार में से कोई भी एक मकान मैं सिलेक्ट कर लूं और उस मकान की नेट एनुअल वैल्यू ले ली जाएगी निल, तो मैं तो वही सिलेक्ट करूंगा जिसकी नेट एनुअल वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, वो टैक्स फ्री करा लूंगा। ये सोच के ये बात है, एक मकान की NAV निल ले ली जाएगी और बाकी सब मकान के रीजनेबल रेंट पे आपको टैक्स लगेगा। उसको कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि एक मकान पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सबको डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। कहने का तरीका अलग है, तो कह ऐसा भी देते हैं, अदर्स आर डीम टू बी लेट आउट एंड अदर्स आर लाइबल फॉर टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी ऑन अ नोशनल वैल्यू। तीसरी बात जो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में पता होनी चाहिए, और वो बात यह है कि जब आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में सारा कैलकुलेशन करते हो तो इसमें आपको नॉर्मली तो मकान के किराए पे टैक्स लग जाता है, पर कई बार क्या होता है कि आपको कुछ बैड डेट का भी डिडक्शन मिल जाता है,
which you call it as unrealized rent. And then, कई बार backdate से भी किराया बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं arrears, rear period से backdate से किराया बढ़ गया, arrears. और वो किराया मेरे को इस साल मिला, तो ये arrears हो या unrealized rent हो, दोनों का law आपके सामने में है, बहुत छोटी सी बात है. और वो law ये है, arrears and unrealized rent, whatever it is taxable in the year of receipt. It is taxable under the head house property, even if that house is sold. House को बेच दिया, अब तो मैं उसका मालिक नहीं रहा, तो भी जो मेरे को ये पैसा मिला वो house property head में taxable है. ये लिखना क्यों पड़ा? इसीलिए लिखना पड़ा. लोग कह रहे थे कि जो मकान मैंने बेच दिया उसका तो मैं owner हुई नहीं, तो जब मैं ओनर ही नहीं हूं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कैसे टैक्स कर सकते हो? ये टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अरियर्स का जो मेरे को मिल जाता है या अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज हो जाता है, इट इज टैक्स फ्री, क्योंकि ये तो कैसे टैक्स कर सकते हो आप, ये तो मेरे को मकान बेचने के बाद मिला. तो उन्होंने लिखा कि इवन इफ इट इज सोल्ड स्टिल इट विल बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसको कमाने के लिए यू विल गेट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%. डन. बस ये तीन पॉइंट है अदर. ये हो गया तो आप हाउस प्रॉपर्टी पूरा पढ़ चुके हो. एक मिनट और बस लेना और वो देख लो आप ये सेक्शन वाइज भी. समटाइम्स यू मे हैव टू लर्न द सेक्शन. आई विल एनसर्कल द सेक्शन नंबर्स, जो मैं सजेस्ट करूंगा सजेस्टिव. आप ये सेक्शन नंबर रट लो, सजेस्टिव. रट पाओ तो रट लो, नहीं तो रट ही नहीं पाओगे तो मैं कह भी दूंगा तो कौन सा रट लोगे. तो रट पाओ तो रट लो, ठीक है. सेक्शन 22 द चार्ज, सजेस्टिव, रट लो, ठीक है. तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं. हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा. बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू ओन बाय द एसएससी, नॉट यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन. सेक्शन 23 कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, नहीं रटो अभी, चलेगा. सेक्शन 24 कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस माइनस इंटरेस्ट इज एनुअल वैल्यू. That is section 24. Section 25, amounts not deductible from house property. Apart from what is written under 24, nothing else is allowed. एक लाइन का सेक्शन है. अपन ने ऐसे पढ़ा भी नहीं होगा, पर एक लाइन की बात है कि जो लिखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा. जो स्टैंडर्ड डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट है, उसके अलावा नो अदर डिडक्शन. 25 है अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट, इनका क्या होगा? टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल, नहीं भी रटो चलेगा. एंड सेक्शन 24 प्रॉपर्टी ओन्ड बाय कोओनर्स, कोओनरशिप को अपन ने कोई तवज्जो नहीं दिया. कोओनरशिप में अपना अपना हिस्से पे अपने अपने को टैक्स लगता है. एवरी कोओनर हैज हिज ओन शेयर, उसको अपने हिस्से पे टैक्स लगता है. एंड सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप, दैट इज समथिंग एज अ थ्योरी इफ इट कम्स आउट. व्हाट इज डीम्ड ओनरशिप अंडर 27? तो ये थोड़ा सा रट लोगे तो अच्छा रहेगा. बस this is one head. See, I suggest if you have taken note of what I said here, that is what you can revise. That's it. Tax kab lagega? Lagega to 7 steps mein calculation kaise hoga? And then 3 extra point. Ho gaya? Now let me start with the second head, salary. Ha, ye padha do. Padhna hai aaj? जैसे आपकी इच्छा. सैलरी हेड, सैलरी हेड इज वन ऑफ द इजीएस्ट हेड ऑफ इनकम टैक्स. हाँ, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं. अबे क्या बोल रहा है, पागल आदमी है, ठीक है. ऐसे मन में जो भी आपने अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर्स और लगा के इसको बोला होगा, ठीक है, तो एस्ट्रिक मार्क वाले स्पेशल कैरेक्टर्स लगा के, मैं समझ पा रहा हूं. बट बिलीव मी, सैलरी हेड इज सम हेड विच इज इजीएस्ट हेड ऑफ द इनकम टैक्स. सैलरी हेड इज इजीएस्ट हेड ऑफ इनकम टैक्स. हाउस प्रॉपर्टी सबसे इजी लगता है, अच्छी बात है. अपन सैलरी को इजी कर लें, कर लेते हैं. लेट अस स्टार्ट. सैलरी हेड में देखो, समझना बात को. सैलरी हेड में छोटा हेड है, तीन सेक्शन है, 15, 16, 17. सेक्शन वाइज तीन सेक्शन है बस. इवन हाउस प्रॉपर्टी में भी 5-7 सेक्शन है. सैलरी में यू हैव सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17.
झूठ नहीं कह रहा हूं मैं, जो लिखा है बता रहा हूं. अब सैलरी हेड में देर आर टू थिंग्स. सैलरी हेड में टैक्स कब लगेगा, द चार्ज, और लगेगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा. प्लीज बियर विथ मी एंड कीप नोटिंग व्हाट आई एम सेइंग. इफ यू रिमेंबर दिस फॉर एग्जाम्स यू नो सैलरी हेड. सैलरी हेड में चार्ज, सो फार एज द सैलरी हेड इज कंसर्न्ड, द चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन 15. इट सेज इफ देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप देन द सैलरी हेड इज अट्रैक्टेड. फॉरगेट इट व्हाट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप फॉर द टाइम बीइंग. फॉरगेट व्हाट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो गिवन पैरामीटर्स रहेंगे उसमें पक्का रहेगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं. दे विल स्टार्ट विथ मिस्टर एक्स वाई जेड का ये सैलरी की डिटेल्स है, तो आपको असर्टेन नहीं करना है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक एग्रीमेंट दे दिया उन्होंने, असाइनमेंट एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट को पढ़ के बताओ कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि नहीं. ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन. दे विल हैव अ रेडीमेड डेटा दैट देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. फोकस ऑन एग्जाम, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं, नहीं ध्यान देना है. है आएगा अगर लिखा हुआ क्लियर कट आएगा. इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यू हैव टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सॉरी सैलरी, वी आर इनटू दैट थिंग. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज विद अ फ्लो इट हैपेंस. कोई बात नहीं है ना. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, अभी सही बोला, चलो. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी इज डन इन टू स्टेप्स. स्टेप वन, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी. दिस इज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 17. स्टेप टू, गिव डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. एंड आफ्टर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, यू हैव द फिगर ऑफ नेट सैलरी. सिंपल है बात. ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, नेट सैलरी. ग्रॉस सैलरी निकालना ही सबसे मेहनत का काम है, क्योंकि सेक्शन 16 के जो डिडक्शन होते हैं वो बहुत सड़ा सा है. ठीक है, टेक्निकली दो हैं पर प्रैक्टिकली एक है. सेक्शन 16 में कौन से दो डिडक्शन, लेट अस क्विकली क्लोज एंड गो टू ग्रॉस सैलरी. एंटरटेनमेंट अलावेंस, टैक्स नहीं, एंटरटेनमेंट अलावेंस. अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को एंटरटेनमेंट अलावेंस दिया तो वो ग्रॉस सैलरी में शामिल हो चुका होगा, क्योंकि सारे अलावेंसेस टैक्सेबल होते हैं. वो एंटरटेनमेंट अलावेंस जो भी दिया वो तो सैलरी है, उसमें से आपको एक डिडक्शन मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो. गवर्नमेंट एम्प्लॉई कौन होते हैं उसकी डेफिनेशन अलग अलग जगह अलग अलग है. जेन्युइनली बिलीव मी, डोंट फोकस इट फॉर एग्जाम्स. कई बार होता है गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. कई बार होता है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज भी. कई बार होता है ऑन डेप्यूटेशन अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो वो भी गवर्नमेंट. मत ध्यान रखना, सैलरी हेड बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन मिलेगा. मान लो उसको मिला 8,000, तो 8,000 को तो शामिल कर लिया आपने ग्रॉस सैलरी में से, उसमें से आपको डिडक्शन मिलेगा 5,000, साल का 5,000. वैसे फॉर्मूला वॉर्मूला दिए हैं, 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी, 5,000 और एक्चुअल रिसिट विच एवर इज लेस, बट आई डोंट वॉन्ट टू से इट दैट वे. सिंपल है, एंटरटेनमेंट अलावेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 5,000 का साल का डिडक्शन मिलेगा. यह भी सुन लिया हो तो इसको भी भूल जाओ, डजेंट मैटर, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलावेंस इज प्रिसाइजली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. जो आपके एग्जाम में आएगा, आपके अटेम्प में आएगा, वो इश्यू होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोफेशनल टैक्स. प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और हुम, बोथ, है ना. वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में अब आप मत चले जाना कि बाय लैंडलॉर्ड, तो यहां बाय एम्प्लॉयर, ऐसा कुछ नहीं है. द प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअली पेड विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, राइट. प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आपको मिल जाएगा. दैट इज वन स्मॉल पॉइंट विच इज देयर. आई विल कम टू दैट थिंग एंड डिस्कस इट. प्रोफेशनल टैक्स का फिलोसॉफी ये है, मतलब टैक्स का ही फिलोसॉफी ये है. आप कोई भी हेड में देख लो, टैक्स का डिडक्शन आपको तभी मिलता है जब आप पेमेंट करते हो. हाउस प्रॉपर्टी हेड, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड इज अलाउड. बिजनेस हेड 43B, टैक्स इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस.
salary head. Tax is allowed on payment basis. Payment is the criteria for tax. ऐसा नहीं कर सकते कि tax भी मत भरो और income tax में भी उसका privilege ले लो. ये एक logical बात है कि tax भी मत भरो और income tax में तो उसको minus कर लो. ऐसा नहीं चलेगा. आपको deduction तभी मिलेगा जब payment किया है. तो ये छोटी सी बात है. अब देखो पूरा का पूरा discussion is all about the computation of gross salary. Gross salary का जो लंबा चौड़ा calculation है उसको मैं कोशिश करता हूं summarize करने की मेरी तरफ से. ग्रॉस सैलरी के कैलकुलेशन में यू नीड फाइव फिगर्स. द फर्स्ट फिगर विच यू नीड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी इज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी. एक होता है बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी एक छोटा वर्ड है और बेसिक सैलरी मतलब जो इनिशियली तय हुई है, मतलब फर्स्ट फिगर जो तय हुआ है कि इतना तो बेसिक है, उसके बाद हम आपको ये सब और बेनिफिट्स देंगे. तो बेसिक सैलरी अलग है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी अलग होता है. जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें डिफाइन है व्हाट इज सैलरी. सैलरी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस हेड मींस दिस. तो इस हेड में कौन कौन सी चीजों पे टैक्स लगेगा वो है. और इसको मैं आपको बता देता हूं, इसको नहीं भी रटोगे तो चलेगा, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, दैट इज प्रोविडेंट फंड. बाकी चीजें तो एक ही लाइन में समराइज होती है. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो कुछ भी दिया, जिस भी हेड में दिया, उसको नाम दिया सैलरी, बोनस, अला, उसको नाम कुछ भी दे दो आप, वॉट एवर, जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, एवरीथिंग गोज टू सैलरी एंड इट इज टैक्सेबल. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड भर दिया, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स भर दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का और कोई ग्रेच्युटी का पेमेंट कर दिया, एवरीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज सैलरी. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का इनकम टैक्स भर दिया, जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, एवरी प्रिविलेज विच इज देयर टू द एम्प्लॉय is basic component of salary. And everything which is received from the employer is taxable. So generally, all amount which is received from the employer is taxable. Employer se kuch bhi mile, wo sab salary mein jayega. Uska naam professional fees rakh do, uska naam bonus rakh do, uska naam commission rakh do, uska naam kuch bhi rakh do. Job join karne ke pehle rakh mile, job join karne ke baad mile, job chhodne ke baad mile, pension mile, everything is taxable under the head salary. Aur yahan koi confusion aapko ho, uske liye unhone ek aur cheez likh diya ki kisi ke man mein koi confusion hai to hum kehte hain section 17(3) deemed salary, profit in lieu of salary, jo bhi employer se mile, रेवेन्यू अकाउंट पे मिले, कैपिटल अकाउंट पे मिले, जॉब ज्वाइन करने के पहले मिले, जॉब छोड़ने के बाद मिले, किसी भी हेड में मिले, एवरीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज सैलरी. दैट इज सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड. देयर इज सम कैलकुलेशन इन्वॉल्व, अदरवाइज दिस इज व्हाट इज द लाइन. सो दैट इज बेसिक कंपोनेंट्स एंड प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी. तो वो आपने जो मेहनत करके पढ़ा वो सब चीजों की क्रक्स ये है. जनरली ऑल अमाउंट्स आर टैक्सेबल. ठीक है, देयर विल बी वन मोर कॉलम फॉर एग्जम्पशंस एंड इनमें दो में कुछ एग्जम्पशंस की बात करनी नहीं अपने को, जो भी मिले वो टैक्सेबल, खत्म. अब दो बड़े हेड्स होते हैं, दो बड़े हेड्स होते हैं, एक होता है अलावेंस और एक होता है परक्यूज. बस इसी में बहुत कंफ्यूजन है ना, और इसी में है कंफ्यूजन. कोशिश करें उसको समराइज करने की, कोशिश करते हैं अलावेंसेस को समराइज करने की और परक्विजिट्स को समराइज करने की. सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, द बेसिक रूल इज अलावेंस. अलावेंस का मतलब होता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को किसी हेड में, किसी मद में पैसे दिए फॉर मीटिंग हिज पर्सनल एक्सपेंसेस और फॉर मीटिंग द ऑफिशियल एक्सपेंसेस एंड the payment is made on a standard basis irrespective of expenses. ये एक लाइन बड़ी लाइन है पर इसमें सब चीजें मैंने कंसोलिडेट कर दी. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किसी हेड में पेमेंट किया, कन्वेंस अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस, फूड अलावेंस, टिफिन अलावेंस, सोप अलावेंस, है ना, ऐसे नाम सुने आपने, एक मद में पेमेंट किया. बेसिक जो हम आपको दे रहे हैं वो तो दे ही रहे, और एक पर्टिकुलर हेड में पेमेंट किया. ये जो हेड में पेमेंट किया इसमें हमने आपको कोई फैसिलिटी नहीं दी, घर पे एसी नहीं लगवाया, एसी के लिए हमने आपको पैसे दे दिए, पैसे दिए. ये जो पैसे दिए ये ऑफिस के खर्चे के भी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग अलावेंस,
ऑफिस के काम से जाने का अलाउंस दिया, या ये पर्सनल खर्चे के लिए भी हो सकते हैं, टिफिन आपके लंच के लिए दिए, ठीक है, दैट कैन बी ऑफिशियल हाउस रेंट अलाउंस, आपका खुद का मकान के किराए के हमने पैसे दिए, तो आपको पैसे दिए फॉर सम ऑफिशियल एक्सपेंस और फॉर सम पर्सनल एक्सपेंस, एंड दिस इज गिवन ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि भाई आपका जो मकान का किराया है, आप किसी भी मकान में रहो, हमको उसकी मगजमारी नहीं, हमसे महीने का 5,000 रुपए ले लो हाउस रेंट अलाउंस, आप 2,000 के मकान में रहो, 5,000 में रहो, 10,000 में रहो, नहीं तो रोज आओगे कि सर वो मकान आपने किराए पे दिलाया था अच्छा नहीं था, और कंपनी से दूर पड़ता है, उसका नल टूट गया तो सर आप नल ठीक करा दो। सेठ जी ये करेंगे कि ऑफिस देखेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय के घर का नल ठीक कराएंगे, व्हाट इज इट। तो उनका ये कहना है, प्रैक्टिकल बात है, कि उनका ये कहना है कि सर हम आपको एक स्टैंडर्ड बेसिस पे एक हेड में पेमेंट कर देते हैं फॉर मीटिंग आउट योर पर्सनल एक्सपेंस फॉर ऑफिशियल एक्सपेंस, खर्चा आपको कम हो ज्यादा हो आप अपने कन्वीनियंस से उसको कर लो, वी आर गिविंग यू इट ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस। Perquisite is something where the employer incurs, where the employer provides some facility to the employee. ये facility भी दो तरीके से provide की जा सकती है, एक तो हमने employee को car दे दी, या फिर employee से कह दिया कि भाई car आप खुद ले आओ किराए पे, उसका जो भाड़ा होगा वो हम दे देंगे। So we provide the facility by way of a facility or by way of a reimbursement. कि आप कार का किराया दे दो, बिल सबमिट कर देना, हम दे देंगे। अ फैसिलिटी इज गिवन टू द एम्प्लॉई व्हिच इज अ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, कंपनी पैसे नहीं दे रही है, और पैसे दे भी रही है तो सिर्फ रीइंबर्समेंट के रूप में दे रही है कि आपने वो खर्चा किया वो हम उसको रीइंबर्स कर रहे हैं। दिस इज अ पर्सनल बेनिफिट, इसमें ऑफिशियल कोई बेनिफिट नहीं है। कंपनी के काम से ट्रेवल करने को अगर हमने ट्रेवलिंग का कुछ पैसा दिया है तो उसमें देर इज नथिंग विच इज अ परक्विजिट। छुट्टी पे भेजा, लीव ट्रैवल, तो देर इज अ परक्विजिट। परक्विजिट अराइजेस ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स। ऑफिशियल बेनिफिट इज नॉट अ परक्विजिट। ऑफिस के काम से गया था, घूमना भी हो गया साथ में, तो भी इट इज समथिंग विच इज नॉट अ परक्विजिट, दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ परक्विजिट इन जनरल। उसको हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट। अ फ्रिंज बेनिफिट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ परक्विजिट। एंड Perquisite is not given on a standard basis. It is given on a specific amount. आपका कितना खर्चा हुआ उतना ही हम रीइंबर्स करते हैं, या आपका जो खर्चा हो सकता था वो हमने कर दिया। So it is not a standard payment कि महीने का 5,000 रख लो। अगर हाउस का परक्विजिट है तो एम्प्लॉय मकान किराए पे ले ले, किराया दे दे और कंपनी उसको रीइंबर्स कर देगी। So that can be a basis of, that can be the thing of giving it as a perquisite. It is a payment which is based on actual expenses. It is based on actual expenses. अब allowances का जो golden rule है वो ये है, all allowances, employer ने employee को जो भी दिया, जिस भी मद में दिया, जितना भी दिया, जो मतलब whatever, for official, for personal purposes, all allowances are fully taxable. All allowances are fully taxable. But, however, under Income Tax Act, Some allowances may be exempt. Some मतलब 14 हैं. Some allowances may be exempt मतलब 14 हैं. 14 को मैं समराइज कर दूंगा. मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल क्राइटेरिया है. आधे पेज के चार्ट में वो समराइज हो जाएगा. Some allowances may be exempt. Otherwise, all allowances are fully taxable. Perquisite का रूल ये है, section 17 subsection 2. Generally, a perquisite is exempt. A non-monetary benefit cannot be taxed. क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इश्यू आता है वैल्यू. कंपनी ने एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी दी तो कार की किस रेंटल वैल्यू को किस वैल्यू पे टैक्स करे, कंपनी ने एम्प्लॉय को मकान दिया तो मकान को किस वैल्यू पे टैक्स करे, तो ये झगड़ा आता है कि वैल्यूएशन कैसे किया जाए। इसलिए द गोल्डन रूल गोज, परक्विजिट्स आर जनरली एग्जम्प्ट, हाउएवर ओनली सम परक्विजिट्स आर मेड टैक्सेबल। तो जनरल रूल इज अलावेंस हो, बेसिक कंपोनेंट्स हो, ये सब हो, सब कुछ टैक्सेबल है, खासतौर पर अलावेंसेस, जो भी मिला ना उसको टैक्स कर लेना, बट उसमें से एक मैथमेटिकल फिगर होगा जो एग्जम्प्ट होगा। परक्विजिट का बेसिक रूल है कि जो मिला पहले चेक करना कि वो कोई हेड में आ रहा है क्या परक्विजिट के, अगर आ रहा है तो उसका वैल्यूएशन देखना कैसे होगा, और वो वैल्यू जो वैल्यूएशन करके निकलेगी वो टैक्सेबल है। मैं आपको सैलरी का एक फॉर्मैट बना देता हूं बिफोर आई स्टार्ट विद अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। वो फॉर्मैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मैट ऑफ डूइंग अ सैलरी हेड क्वेश्चन। इन योर सैलरी हेड your solution should be based on three basic amount column
format. I don't know if you made it out or not. मैं आपको बना के वो देता हूं. Particulars is one column. Amount, inner, middle, and outer column. You should have three columns for salary calculation. अब देखना मेरी बात सुनना. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत इजीली सैलरी हेड के क्वेश्चन कर सकते हो. सैलरी हेड में जैसे आपको मैं डेटा लेते जा रहा हूं, ऐसे कुछ भी रेंडमली, जैसे आपको कहा बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, यू शुड राइट बेसिक सैलरी एंड दिस बेसिक सैलरी. इसमें कोई एग्जम्पशन तो नहीं होता है बेसिक सैलरी में से? नहीं, सीधे उसको मिडिल कॉलम में लिख लो. जैसे कहा 40,000 पर मंथ, तो 40,000 इंटू 12, 4,80,000 लिख लो उसको मिडिल कॉलम में. फिर आपको कहा डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता. डियरनेस अलाउंस में कोई एग्जम्पशन नहीं होता है, जनरली ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल. मान लो डियरनेस अलाउंस में कोई एग्जम्पशन नहीं होता है, तो डियरनेस अलाउंस कहा, कुछ दिमाग मत लगाना. मान लो 15,000 पर मंथ कहा, तो 15,000 इंटू 12, 81 मिडिल कॉलम में विदाउट एनी फेल, जिसमें कोई मगजमारी नहीं है, उसको मिडिल कॉलम में लिखते जाओ. जो डायरेक्ट फिगर है, जिस पे टैक्स लगेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं होता. अब आपको कहा हाउस रेंट अलाउंस 20,000 पर मंथ. नाउ हाउस रेंट अलाउंस, एक अलाउंस है 20,000 पर मंथ दिया, 2,40,000. जनरली जो मिला वो टैक्सेबल है, सेक्शन 10 में इस पे एग्जम्पशन है ना, तो इसको इनर कॉलम में लिखो. और इसके साथ चाहो तो अभी कैलकुलेशन कर लेना, या एक बार रुक जाना, कैलकुलेशन मत करना एग्जम्पशन का, कैलकुलेशन थोड़ी देर से करना. पहले जितने भी डेटा क्वेश्चन में दिए ना, उसको सबको लिख लेना, और फिर बाद में जो एग्जम्पशंस के कैलकुलेशन है वो करके उसको मिडिल कॉलम में ब्रॉड फॉरवर्ड करना. तो अभी मान लो अपने को एचआरए दिया, 2 मिनट रुक जाते हैं, एचआरए में कुछ एग्जम्पशन होता है वो कर लेंगे बाद में, अभी लिख लिया. क्वेश्चन में दिया ना 20,000 पर मंथ, लिख लो 20,000 पर मंथ. फिगर को ले आओ 2,40,000. फिर उन्होंने कहा साहब एक अलाउंस है टिफिन अलाउंस, टिफिन अलाउंस. नाउ टिफिन अलाउंस में एग्जम्पशन होता है कि नहीं, यह आपको सोचना पड़ेगा. से नहीं होता है, से नहीं होता है. तो व्हाट यू शुड डू इज टिफिन अलाउंस जो भी दिया है उसको सीधे मिडिल कॉलम में लिख लो. सिंपल है बात, जिसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है उसको सीधे मिडिल कॉलम में लिखो, जिसमें है उसको एक बार इनर कॉलम में लिखो, बाद में एग्जम्पशन माइनस करेंगे. उन्होंने कहा साहब से यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस इज टैक्सेबल पर कुछ एग्जम्पशन होता है, जो मिला ना उसको लिख लो. यूनिफॉर्म अलाउंस से मान लो महीने का 300 रुपए मिला, तो साल का कुछ मिला 3600, है ना, 3600 को बिना कुछ मैथमेटिक्स के यहां लिख लो. अभी उसमें से एग्जम्पशन कितना होता है ये एक सेकेंडरी बात है. अलाउंस अलाउंस जितने भी बने ना सबको लिख लो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रहा हूं. अब ये सब आपने कर लिया, इसके बाद यू मे ऑल्सो बी गिवन परक्विजिट्स. नाउ से दे से कंपनी हैज प्रोवाइडेड अ मोटर कार फैसिलिटी टू द एम्प्लॉई. नाउ यू हैव टू थिंक, मोटर कार फैसिलिटी इज एन अलाउंस और परक्विजिट? पर क्योंकि फैसिलिटी है ना, पैसा नहीं दे रही है कंपनी स्टैंडर्ड बेसिस पे, इट इज अ परक्विजिट मोटर कार. अब यू हैव टू टेक अ पॉज. 19 परक्विजिट्स हैं, उसमें से कोई क्राइटेरिया में आता है क्या मोटर कार फैसिलिटी? हाँ. अभी भी आपको फिगर नहीं मिलेगा. अब आपको दूसरी चीज इसमें देखनी चाहिए कि ये जो मोटर कार फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी गई, ये फैसिलिटी का वैल्यूएशन कैसे होगा, किस वैल्यू पर टैक्स लगेगा, क्योंकि ये तो पैसे थोड़ी दिए, फैसिलिटी दी, तो इस फैसिलिटी की कितनी वैल्यू को इनकम माना जाएगा. तो वहां कुछ क्राइटेरिया 1800 पर मंथ, 2400, ऐसा कुछ जो भी है. मान लो 1800 पर मंथ, तो 1800 इंटू 12 आपने कर दिया, जो आ गया मान लो 19,200, एग्जाम्पल वॉट एवर इट कम्स, जो भी आ जाए 19,000-20,000, जो भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 19,000 आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 19,200. रिमेंबर इसको इनर कॉलम में लिखना. क्यों? क्योंकि जो परक्विजिट कंपनी से मिलता है वो टैक्सेबल होता है, पर उसमें से कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट हो सकते हैं, और वो एक ही होता है, हर परक्विजिट में एक ही होता है, कंपनी ने हमसे उसका कितना पैसा ले लिया, अमाउंट रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर. तो इसको हमेशा इनर कॉलम में लिखना. क्वेश्चन में हो सकता है कि इसका कोई वैल्यू हो जो एम्प्लॉयर ने रिकवर किया, कुछ नहीं करना है, उसको माइनस करना है एंड ब्रिंग इट टू द मिडिल कॉलम. दैट्स इट. सो यू एक्चुअली शुड नोट द एंटायर क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन को लिखते जाना,
जो बेसिक फिगर्स हैं उनको तो सीधे मिडिल कॉलम में लिख देना, जो अलावेंसेस हैं एक बार उनको इनर कॉलम में लिखना, उसमें से एक मैथमेटिकल फिगर एग्जम्प्ट होगा। लोग क्या करते हैं, हाथों हाथ ही एग्जम्प्शन निकालने लगते हैं। अब जैसे यहां है 240 और उन्होंने कोई मैथमेटिक्स किया, 40% ऑफ सैलरी, रेंट माइनस 10 पर, वो सब किया और विच एवर इज लोअर होता है ऐसा कुछ वो निकाल लिया। अब उनको समझ ही नहीं पड़ेगा ये कैलकुलेशन करके कि 136,220 रुपए निकले, इसका करना क्या है। ये 136,220 जो निकले ये टैक्सेबल निकला या एग्जम्प्ट निकला, ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है। ये मैथमेटिकल फिगर जो आपने निकाला आप इसको सिंपली यहां पे लिख लो, मतलब दैट इज व्हाट यू डू। आपने टैक्सेबल लिख लिया 240। अब ये जो मैथमेटिकल फिगर जो वर्किंग नोट में आपने बनाया होगा, ये वर्किंग नोट का फिगर यहां पे लाओ, लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 एंड देन यू विल हैव द फाइनल फिगर विच इज टैक्सेबल। I believe this is a common confusion again which happens कि जो exempt figure था कई बार किसी ने taxable कर दिया। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो that is the problem which happens। Make a standard format, पहले पूरा question उतार दो, फिर उसमें से जो exempt है उनको minus करते जाओ, minus करके middle figure निकालो। This middle figure will be called as gross salary। इसका जो total आ जाएगा उसको outer column में लिख लो, that is gross salary। Gross salary में से सिर्फ एक minus होगा deduction, professional tax एक्चुअली पेड, बस। एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस होगा, हो कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता नहीं एग्जाम में, हो तो माइनस कर देना 5,000 रुपए अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस हो तो प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअली पेड माइनस कर देना एंड यू विल हैव नेट सैलरी, दैट्स इट, ठीक है। अब अलाउंसेस सुन लो आज और फिर मैं आई विल क्लोज टूडे विद इट। अलाउंसेस और सुन लो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं। अलाउंसेस सबसे सड़ी चीज है, सबसे ईजी चीज है, एंड देन आई टुमारो टेक परक्विजिट्स, वो भी सड़ी चीज है, एक टेबल बनाऊंगा बस में, वो टेबल से सारे परक्विजिट्स हो जाते हैं, एक टेबल में ऑल परक्विजिट्स रिवाइज्ड, दैट्स इट। अभी अलाउंस हाफ पेज चार्ट, लेट मी टेक इट एंड पुट इट। द लॉ विच सेज इज अलाउंसेस वॉट एवर अ पर्सन रिसीव्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू 3 सेगमेंट्स। Allowances which are fully taxable, allowances which are fully exempt, and allowances which are partly taxable and partly exempt. Allowances which are fully exempt की जहां तक बात आती है उस लिस्ट में केवल 4 allowances होते हैं which are fully exempt, और सच मानो वो आपके लिए irrelevant है फॉर एग्जाम purposes, बिकॉज वो 4 allowances जो होते हैं दे आर बेसिकली फॉर हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिसर्स लाइक हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो भी allowances और perquisites मिलते हैं वो exempt है। इंडियन embassies को जो भी बाहर रहने के लिए allowances मिलते हैं, ओवरसीज allowances, वो exempt है, ठीक है, ओवरसीज अलाउंसेस exempt है। इसके अलावा जो यूपीएससी, जो देश भर के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का बोर्ड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब आईएएस ऑफिसर ही बहुत बड़ी बात होती है, और उन आईएएस ऑफिसर्स का बोर्ड यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स और चेयरमैन, बोर्ड मेंबर्स और चेयरमैन, वो भी प्रेजेंट बोर्ड मेंबर और पास्ट बोर्ड मेंबर एंड चेयरमैन। तो अभी जो यूपीएससी चेयरमैन है, पहले जो यूपीएससी चेयरमैन थे, अभी जो बोर्ड में मेंबर हैं, जो पहले मेंबर थे, बहुत हाई प्रोफाइल लोग, देश में 8-10-20-50 लोग से ज्यादा क्या होंगे प्रेजेंट एंड पास्ट। ये जो बोर्ड मेंबर एंड चेयरमैन है, इनके लिए प्रिस्क्राइब्ड, दे हैव प्रिस्क्राइब्ड सर्टन अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स फॉर देम। सारे एग्जम्प्ट नहीं है, इनको प्रिस्क्राइब्ड अलाउंसेस for UPSC chairman and past chairman are exempt. So that is third. Point one, High Court, Supreme Court judges ke allowances and perquisites. Point two, embassies ke allowances and perquisites. Point three, that is UPSC chairman board members ke allowances and perquisites exempt. Fully subject to prescription here. And fourth and the last is यूनाइटेड नेशंस, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस, उनको जो इंडिया में रहने के लिए अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिल रहे हैं, यूएनओ के कोई एफिलिएट है, मान लो यूनेस्को है, उनके लोग यहां पर आके रहते हैं,
वो अपने मेहमान हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंटरनेशनल पीस कमिटीज, तो वो लोग जब यहां पर आकर रहते हैं, वो लोगों को जो अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिलते हैं, वो अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आर एग्जम्प्ट। यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग यहां पर आकर रहते हैं, तो उनको भारत की सरकार जो अलाउंस एंड परक्विजिट्स देती है, दे आर एग्जम्प्ट। तो ये चार एग्जम्प्ट हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, ओवरसीज अलाउंसेस फॉर इंडियन एम्बेसीज, प्रिस्क्राइब्ड अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स फॉर यूपीएससी चेयरमैन एंड पास्ट चेयरमैन एंड यूनाइटेड नेशंस। इसको नहीं भी याद करोगे ना, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल है, रूटीन कोर्स में नहीं है। सबसे बड़ी बात है पार्टली एग्जम्प्ट अलाउंसेस, दे विल बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज एचआरए जिसके लिए अलग से बड़ा सा एग्जम्पशन है, और दूसरा है ऑल अदर अलाउंसेस। ऑल अदर अलाउंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ऑल अदर अलाउंसेस विल बी क्लासिफाइड इनटू सिक्स अलाउंसेस एंड थ्री अलाउंसेस। सिक्स और थ्री का क्लासिफिकेशन समझना, ये सिक्स अलाउंस की थीम ये है कि ये जो छह अलाउंसेस हैं, जितना मिला वो टैक्सेबल, पर उसमें जितना खर्च हो गया वो एग्जम्प्ट। कंपनी ने मेरे को 2000 रुपए पर मंथ का कन्वेंस अलाउंस दिया, इनर कॉलम में 2000 लिखना, पर उसमें से माइनस कर देना मैंने जितना खर्च कर दिया, और नेट अमाउंट जो है वो टैक्सेबल, खर्चा जो किया वो एग्जम्प्ट। कौन कौन से हैं वो छह? कन्वेंस, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब शहर के बाहर जाना आना, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस मतलब ऑफिस से काम से जाना, ठीक है, और एक होता है ट्रांसपोर्ट, घर से ऑफिस आना जाना, तीनों में अंतर समझना। ऑफिस से क्लाइंट के यहां जाना आना इस कन्वेंस, ऑफिस से शहर से बाहर जाना आना इस ट्रैवलिंग, एंड ट्रांसपोर्ट इज घर से ऑफिस आना जाना। मैंने ट्रांसपोर्ट का नाम नहीं लिया है, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, डेली डीएम अलाउंस, प्रैक्टिकली इसको ऐसे ही नाम दिया जाता है टीए डीए। बाहर जाने आने पे आपको दो बेनिफिट मिलते हैं, दो अलाउंस दिए जाते हैं, एक तो जाने आने का खर्चा, वहां रहने वगैरह का खर्चा, रहना खाना पीना जो है उसका खर्चा। तो डेली अलाउंस, शहर से बाहर जब भेजा गया तो बाहर के रूटीन खर्चों के लिए अलाउंस मिलता है, विच इज डेली डीएम अलाउंस, ठीक है। डेली डीएम अलाउंस इज एन अलाउंस, बाहर शहर से बाहर रहने के खर्चे, तो वहां खाना पीना, रहना, होटल का खर्चा, उस सब के लिए ये मिलता है टीए डीए। फोर्थ अलाउंस इज समथिंग विच इज अ हेल्पर अलाउंस। फिफ्थ अलाउंस इज समथिंग विच इज अ यूनिफॉर्म अलाउंस। सिक्स्थ अलाउंस इज समथिंग विच इज एकेडमिक अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस। ये सब जो है ना अलाउंस, ये ऑफिशियल है, ऑफिस के काम के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, पर वो जो पैसा दिया जा रहा है उसमें से हो सकता है आप कुछ बचा लो। कन्वेंस के लिए आपको 20 रुपए पर किलोमीटर दिया जा रहा है ऑफिस से, ठीक है। अब हो सकता है कि आप स्कूटर से चले जाओ, 2 रुपए में ही पहुंच जाओ, ठीक है, तो 18 रुपए जो बच गए हम उस पर टैक्स कर रहे हैं। छोड़ते नहीं है सरकार वाले, उनका मैथमेटिक्स देखो, कंपनी ने आपको स्टैंडर्ड बेसिस पे 20 रुपए दिए, आपने 2 रुपए खर्च किए, पैदल चले गए 1 रुपए भी खर्च नहीं किए, तो जो बच गए 18 रुपए 20 रुपए उस पर टैक्स कर रहे हैं। वो फिलोसॉफी ये है, पैसा दिया ऑफिशियल पर्पस के लिए एंड यू हैव यूज समथिंग, तो जो खर्च हो गया वो ठीक है, बाकी टैक्सेबल। और तीन जो होते हैं वो है बेसिकली फॉर पर्सनल पर्पसेस, वन ऑफ देम इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। पता ही है, दो बच्चे 100 रुपए पर मंथ, है ना। सबसे बड़ी बात सुन लेना, जो भी अलाउंस दिया उसको इनर कॉलम में लिख लेना, जो भी दिया इनर कॉलम में लिख लेना, उसमें से इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस, आपने बच्चों की जो भी खर्चा किया पढ़ाई वगैरह पे, वो 10 रुपए पर मंथ किया हो, 20 रुपए किया हो, 100 रुपए किया हो, 1000 रुपए, स्टैंडर्ड बेसिस पे आपको 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ डिडक्शन विल बी अलाउड एंड मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड बेसिस पे, मार्क माई वर्ड, आई एम क्लियर विथ इट। मेरे को मिला 500 रुपए, मेरा खर्चा हुआ 50 रुपए। मेरे को ये नहीं देखना है खर्चा कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ का कॉलम अलग है, ये 6 अलाउंसेस है। मेरे को मिला 500 रुपए, खर्च हुआ 50 रुपए, मैं क्या करूंगा, 500 को इनर कॉलम में लिखूंगा, उसमें से 100 माइनस करूंगा और 400 नेट अमाउंट को टैक्स करूंगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस 100 रुपीज पर मंथ विल बी डिडक्टेड। फिर उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस कितना है,
300 रुपए पर मंथ फॉर टू चिल्ड्रन मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो आपको मिलेगा। रटना क्या है, 100 रुपए 300 रुपए बस। और फिर तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, पर्सनल बात ये, आने जाने का जो खर्चा है उसके लिए कंपनी जो आपको दे दे वो टैक्सेबल, पर उसमें से स्टैंडर्ड बेसिस पे 1600 रुपए पर मंथ अलाउड, 1600 पर मंथ अलाउड। कंपनी ने साहब 2000 पर मंथ दिया, 2000 को लिख लेना इनर कॉलम में, उसमें से खर्च हुए 1500, ध्यान ही मत देना खर्च कितने हुए, ध्यान दोगे क्या, नहीं, 1600 माइनस कर देना एंड मल्टीप्लाइड बाय 12 ऑफ कोर्स, 2000 दिए तो 2000 इंटू 12 इनर कॉलम में लिख लेना, 1600 पर मंथ स्टैंडर्ड है, 1600 पर मंथ इंटू 12 इनर कॉलम में माइनस कर देना, और जो नेट फिगर आए उसको मिड कॉलम में ले जाना, विच इज योर कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। बी सिस्टमैटिक, सैलरी इज सिंपल ओनली इफ यू आर सिस्टमैटिक, इफ यू आर नॉट सैलरी हेड डजंट केयर ऑफ यू, दैट इज द प्रॉब्लम विच इज देयर। तो ये है 9 अलाउंसेस, 6 टैक्सेबल पार्टली बट अलाउड अप टू जितना खर्चा हुआ, 3 टैक्सेबल माइनस 100 300 1600, और वो कोई है कि डेफ एंड डम ब्लाइंड, उनके लिए 1600 की जगह 3200 ले लेते हैं, वो एक स्पेशल है जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय के लिए। अब एचआरए, एक मिनट का है एचआरए, एचआरए जो मिला बिना कोई कंफ्यूजन के जो मिला, प्लीज एचआरए को इनर कॉलम में लिख लेना, उसमें से एक फुटनोट बनाना, और लोअर ऑफ थ्री इज एग्जम्प्ट। व्हाट इज थ्री फिगर्स, वन इज एक्चुअल, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मेरे को एचआरए मिला 20,000 पर मंथ और मेरे को घर का किराया लगता है 16,000 पर मंथ। मैंने क्या कहा, पहला फिगर आपको लेना है ये एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ये मेरा इनर कॉलम का फिगर है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड जो मैंने इनर कॉलम में टैक्सेबल किया है, 20,000 × 12, ठीक है, 240,000 से, ये जो 240,000 किया मैंने इनर कॉलम में से, इसमें से माइनस होगा लोअर ऑफ थ्री फिगर्स, जो पहला फिगर ही ये है जो मैक्सिमम मेरे को इतना ही डिडक्शन मिल सकता है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन यहां होता है, वो माइनस कर देते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड, एक्चुअल रेंट पेड माइनस नहीं करना है, यू हैव टू डिडक्ट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट मत माइनस कर देना, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड इज फर्स्ट फिगर। सेकेंड फिगर है रेंट, अब आया रेंट काम में, जो रेंट आपने पे किया अब काम में आया, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, बहुत बड़ा फिगर नहीं है, रेंट आपको रेडीमेड फिगर आएगा एग्जाम में, जो रेंट पे किया वो तो रेडीमेड आएगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का इधर कैलकुलेशन अलग है, एक मैथमेटिकल फिगर है वो सैलरी है, अपन देखते हैं उसको। और तीसरा और आखिरी फिगर है, तीसरा और आखिरी फिगर क्या है, 40% ऑफ सैलरी नॉन मेट्रो 40%, मेट्रो 50% ऑफ सैलरी, ये तीन फिगर विच एवर इज लेस, दिस इज व्हाट, ये फिगर का तीनों में से विच एवर इज लेस का करना क्या है, प्लस या माइनस, माइनस, ये तीनों में से विच एवर इज लेस आए उसको माइनस करना, क्योंकि जो एचआरए आपको मिला उसमें से इतना फिगर एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एचआरए जो मिला उसमें से एग्जम्प्ट है ये लोअर ऑफ द थ्री फिगर्स, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी। व्हाट इज सैलरी फॉर दिस क्लॉज, जो कि बाकी बहुत सारे क्लॉजेस में होता है, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डियरनेस अलाउंस प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। एक मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं, आई डोंट नो आपने क्वेश्चन किए तो आई होगी, पक्का आई होगी, वो प्रॉब्लम ये है कि सर हमको क्वेश्चन में दिया है डियरनेस अलाउंस, ये नहीं दिया है कि ये कंडीशनल है कि अदर देन कंडीशनल है। Somebody has faced this problem? People have come across it? जिन्होंने क्वेश्चन किए पक्का है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। मैं आपको स्टैंडर्ड आंसर दूं, स्टैंडर्ड आंसर क्वेश्चन रिपीट करूं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन ये है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे मॉड्यूल से, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो वहां ये इश्यू आता है कि साहब जो
डियरनेस अलावेंस है वो तो लिख दिया, पर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया इज इट कंडीशनल और नॉन कंडीशनल, तो क्या करे, उसको कंडीशनल माने या नॉन कंडीशनल? मेरा आंसर है जो भी मानो ना बस लिख देना, ये मेरा स्टैंडर्ड आंसर है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आप उसको कंडीशनल मानो लिख देना, इट इज अज्यूम्ड इट इज कंडीशनल, अनकंडीशनल अदर देन कंडीशनल लिख देना, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग विच इज देयर विच आईसीआई हैज डन इन सम क्वेश्चंस, दे हैव अज्यूम्ड दैट द डियरनेस अलाउंस इज कंडीशनल, राइट, यू फेस्ड इट, इन सम क्वेश्चंस दे हैव अज्यूम्ड दैट द डियरनेस अलाउंस इज नॉट कंडीशनल, सो वॉट एवर दे हैव डन दे हैव स्टेटेड, यू ऑल्सो डू इट, जो अज्यूम करो लिख देना। ये हो गया अलाउंसेस, अभी आज अलाउंसेस में मैं रुकता हूं, कल मैं आपको परक्विजिट्स भी बता दूंगा, जेनरली एक चार्ट अगर आप 2-3 पेज का रट लोगे ऑल परक्विजिट्स विल बी डन। अलाउंसेस, मैं विल कम टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, दैट क्लोजेस फॉर टुडे, थैंक यू।